चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश स्टेट के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है। रिजल्ट पिछले साल से काफी हाई रहा है, तो सबसे पहले आप अपना रिजल्ट चेक करने के लिए upneet.gov.in पर जैसे ही विजिट करेंगे रिजल्ट का लिंक आपको यहां मिलेगा। इसके बाद में आपने रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूं। तो लास्ट गाजीपुर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रही है, तो इसमें यूआर कैटेगरी के 18,305 रैंक पर जिसके 606 मार्क्स थे उसको कॉलेज मिला है। बीसी कैटेगरी में 18,770 रैंक पर जिसके 605 मार्क्स थे उसको मिला है। ईडब्ल्यूएस में 19,604 रैंक पर जिसके 603 थे मार्क्स उसको मिला है। एससी कैटेगरी में 1,34,535 रैंक पर जिसके 441 मार्क्स थे उस कैंडिडेट को सीट मिली है। एसटी कैटेगरी में 5,27,433 रैंक पे जिसके 205 मार्क्स थे इन सबको कॉलेज मिली है। ऐसा ही जौनपुर का है, 17,979 रैंक पे यूआर कैटेगरी के जिसके 606 मार्क्स थे उस कैंडिडेट को मिला है। बीसी कैटेगरी में 18,801 मार्क्स रैंक पर जिसके 605 मार्क्स थे उसको मिला है। ईडब्ल्यूएस में 19,539 रैंक पर जिसके 603 मार्क्स थे उस कैंडिडेट को सीट मिली है जौनपुर मेडिकल कॉलेज में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,34,840 रैंक पे जिसके 441 मार्क्स थे उसको कॉलेज मिला है। एसटी कैटेगरी में 5,16,197 रैंक पर जिसके 210 मार्क्स थे उसको सीट मिली है। एक बार हम बाकी के नए कॉलेजों की यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं, तो मिर्जापुर की 607 मार्क्स यूआर कैटेगरी की रही है, सिद्धार्थ की 610, प्रतापगढ़ की 609, फतेहपुर की 610, देवरिया की 6011 और ईटा की 612 कट ऑफ रही है इस बार के लिए। तो ये गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ है। बाकी प्राइवेट की कट ऑफ का वीडियो मैं नेक्स्ट अभी बना रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट की कट ऑफ तो डाउन रही है लेकिन गवर्नमेंट की कट ऑफ पिछले साल से काफी हाई रही है इस बार। तो ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।